जगी, रामायण खत्म हो गया, आप क्या देख रहे हैं? नहीं, रामायण अभी चल रहा है, उत्तर रामायण देख रहा हूँ और नेटफ्लिक्स पे ये देख रहा हूँ, मनी हाइस्ट। बहुत बढ़िया शो है। मनी हाइस्ट में क्या होता है? इसमें बढ़िया है, चोरी की कहानी दिखाई है, बहुत बढ़िया। चोरी की कहानी तो मैं तुझे सुनाती हूँ। दादी साहब का 9 लाख का हार नहीं था? जो खो गया थोड़े दिन पहले, तो फिर दादी साहब ने कामवाली को काम से निकाल दिया था। अबे खोया नहीं था वो, मैंने चोरी कर लिया। मैं अभी बताऊंगा दादी साहब को। बानंदी, ऐसे तुम किसी गरीब की नौकरी नहीं खा सकती हो, मैं अभी बताऊंगा दादी साहब को। ये भी के ज्यादा जासूस बन रहा है ना, डिटेक्टिव विजय। साले तेरा सारा सैनिटाइजर फेंक दूंगी सड़क पे, तब समझ में आएगा तुझे। नहीं नहीं ठीक है ठीक है, बाढ़ में जाए काम वाली, मेरे सैनिटाइजर को कुछ मत करना प्लीज। अब आया ना लाइन पे, यही हाँ शेख होंगे। हाय गाइस, मैं हुसैन हूँ, मेरे साथ है शुभम और आप देख रहे हैं ओल्ड फेमस ऑनेस्ट रिव्यूज क्वारंटीन एडिशन। और इस हफ्ते हम बाल बाल बचे हैं गाइस, क्योंकि हमारे ऊपर भी हमला हो गया। दो लोग बाइक पर आकर हमला कर गए। And they were continuously they were throwing some liquid on my car and they were trying to, what a brilliant story Mr. Goswami। इस हफ्ते हमें वैसे कायदे से रिव्यू अर्नब का ही करना चाहिए था कि बेस्ट परफॉर्मेंस। सबसे बढ़िया फिल्म तो इस बार वही आई है अर्नब गोस्वामी की भाई। और उतनी इक्वली शानदार एक्टिंग की है युवा यूथ कांग्रेस ने भी, जो दबा के ट्विटर पे गालियां बक रहा है जो भी उनके खिलाफ लिख रहा है। मतलब उनको भी मौका मिला ये एहसास दिलाने का कि अभी हम जिंदा हैं। अभी है टाइगर जिंदा है। जस्टिन के साथ मान के चल रहे हो कि कांग्रेस डेड है, और एक ये मैंने जो कहीं ट्वीट नहीं किया, कहीं नहीं किया, यहाँ के लिए बचा के रखा था कि राहुल गांधी ना हो गया, बजट डिस्कवर हो गया, रीलॉन्च ही हो जा रहा है। ये अब तक क्रिंज से और क्रेजीनेस से भरा था, क्योंकि अगर अर्नब गोस्वामी की कहानी काफी नहीं थी तो सुलमान भाई गाना तक ले आया अपना। प्यार करो ना, I can see the genesis of that song। वो song कहाँ से शुरू होगा भाई? एक दिन बैठ के दारू पी रहे होंगे मस्त। चले साजिद बर्फ डाल। और VFX की थोड़ी दिक्कत थी, तो भाई ने यहाँ से ऊपर ऊपर का ही रखा है। ऊपर शूट कराएगा, क्लोजअप ले लो मेरा। और भाई ने गाना गाया भी है, भाई ने गाना लिखा भी है, भाई ने रैप भी करा है। वही ना कि व्हाई शुड तनिष्क बागची रूइन एवरीथिंग। हाँ, लेट मी आल्सो रूइन समथिंग अपार्ट फ्रॉम पीपल्स करियर्स। हाँ, बट लेकिन भाई ने मैसेज अच्छा दिया है इस टाइम पे, जो कहने की जरूरत है कि भाई एहतियात करो ना। और उसके बाद सबसे बड़ा मसला तो आजकल वो चल रहा है, कंगना परेशान है, कह रहे ट्विटर को बंद कर दो। वो गैरी की ठीक है, हम अपना इधर मोदी जी अपना कबूतर लाएंगे, हम अपनी चिड़िया लाएंगे ग्रे कलर की, हमें ये नीली चिड़िया चाहिए ही नहीं। नहीं कहे इंस्टाग्राम चलाओ, फेसबुक चलाओ, ये ट्विटर नहीं। नो हाँ ये नीली चिड़िया। तो फेसबुक की तो इधर बातचीत हो गई ना जियो के साथ, अब जियो के डेटा से हम जियो की वेबसाइट फेसबुक चलाएंगे। वैक्सीन और बना दो मुकेश भाई, इतना सब कुछ कर ही रहे हो तो ऐसा करना ही है, तो हमको भी खरीद लो। जियो के डेटा पे जियो प्रेजेंट्स ओल्ड फेमस ऑनेस्ट रिव्यू देखेंगे, कितना अच्छा लगेगा। जियो का यूट्यूब पे जियो ओल्ड फेमस ऑनेस्ट रिव्यू देखेंगे। 15 अगस्त पे जियो नरेंद्र मोदी जी जियो किले पे जाके जियो तिरंगा फैला रहे। Anyway, तब हमने फाइनली पूरा करा मनी हाइस्ट सीजन 4 एंड दैट इज आवर रिकमेंडेशन फॉर यू दिस वीक, बिकॉज इट्स अ फैंटास्टिक शो, अ वर्ल्ड क्लास शो दैट डिजर्व्स टू बी वॉच्ड, बिंज वॉच्ड ओवर एंड ओवर अगेन। हाँ, और बाकी वो तो है ही कि उसमें मुझे बस एक ही चीज लगी कि इतनी सब प्लानिंग प्लॉटिंग के बीच में भी कपड़ों पे हमेशा प्रेस रहती थी प्रोफेसर के। भाई प्रोफेसर भी तो है वो, अगर अंदर लौंडे मर रहे हैं, सोना छीन रहा है, कोई नहीं, मेरा अपना जो है, और चश्मा भी है मेरे पास आज प्रोफेसर वाला। आय गजब बेला चाओ। शो के लीड रोल में अल्वारो मोरते, अब MORT भाई। एक तो ये स्पेनिश लोग हैं, हमें नहीं पता किसका नाम कैसे लिया जाना है, बस अर्नब ने हमें ये सिखा दिया कि सोनिया गांधी का नाम एंटोनियो माइनो लिया जाना है। एक विदेशी नाम हमें लेना आ गया, क्योंकि उसने भैया चिल्ला चिल्ला के एंटोनियो माइनो नॉट टेल मी। अल्वारो मोरते प्ले करते प्रोफेसर कैरेक्टर, जो कि एक बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही श्रू टाइप के इंसान है, जिनके शुरू से एक एम रहा है कि वो एक बहुत मेजर हाइस्ट करने की कोशिश करेंगे, और वही वो रिक्रूट करते तमाम सारे लोगों जिनका नाम स्ट्रेंजली शहरों के नाम पर होता है। और ये स्पेन के अंदर है कि मतलब बाहर के नाम रखे गए, यही शो अपना इंडिया में बनेगा, सोचो जगहों के नाम क्या होंगे। रखेगा अपने बच्चे का नाम जलपाईगुड़ी, कौन रखेगा अपने बच्चे,
दिल्ली में आ जाओ यार, मैं कह रहा हूँ सिर्फ मनी आइस दिल्ली में, मतलब बुराड़ी सबके नाम शहरों के नाम पे रखे जाते हैं, जिसमें कि एक है टोक्यो। अब टोक्यो जो सीजन वन से आप देखते आ रहे हैं, तो उनकी कहानी आपको पता ही है कि वो पहले छोटी मोटी चोरी चकारी करती थी। सब ये बेसिकली लोग हैं तो क्रिमिनल बैकग्राउंड के ही। इनको प्रोफेसर ने वही लालच दिया कि कब तक ये छोटी मोटी चोरी करते रहोगे, आओ कुछ बड़ी गेम करते हैं। जैसे इंडिया में होती कब छोटी मोटी चोरी करते रहोगे, आओ पॉलिटिक्स में आओ, बड़ी गेम खेलते हैं, आओ पार्लियामेंट चलते हैं। टोक्यो जो की प्ले करती है उर्सुलो, मैं पढ़ के बोल रहा हूँ, उर्सुलो कोर्बेरो। रियो प्ले करते हैं मिगेल हेरान। बर्लिन जो कि काफी लोगों के फेवरेट है, वो बनते हैं पेड्रो अलोंसो, और सीजन थ्री में पता चल जाता है कि वो एल्वारो मोर्ते के भाई भी हैं, और बता भी दें कि वो गे भी हैं। इसके अलावा नैरोबी बनती है अल्बा फ्लोरेस। डेनिवर जो अपनी हंसी के लिए मशहूर है, वो उनका कैरेक्टर प्ले किया है जेमी लोरेंते ने। हेलसिंकी बने हैं डार्को पेरिक। अमेरिक अरसे बने हैं अर्तुरो रोमान, जिनको कि आप वाला भी कह सकते हैं। अगर आपने चार सीजन नहीं देखे हैं तो आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप सीजन वन से स्टार्ट कीजिए। बहुत टाइम में चार सीजन आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। और अब तो लोग वही गेस कर रहे हैं, डीडी ने दिखा दिया कि श्री कृष्णा भी आने वाला है। महाभारत आ चुका है, अब एड्स में आता है कि श्री कृष्णा कमिंग सून, कि मतलब मित्रों लॉकडाउन बढ़ने वाला है। जब तक ये शोज आते रहेंगे, अब इनके हिसाब से कैलकुलेट कर लो कि ये किस दिन खत्म होंगे, उस दिन लॉकडाउन खत्म होगा। दूसरा लॉकडाउन खत्म होने का लॉजिक दोस्तों ये भी है कि कोरोना जो है वो सच्चा सेक्युलर है। अगर हमारे नवरात्र घर में बने हैं तो जैन भाई के रमजान भी घर में बनेंगे, पूरे खत्म करके ही जाएगा। हम ही अकेले ऐसे बेवकूफ होंगे रिव्यू करने वाले, जिनको नेटफ्लिक्स का रिव्यू का शो का रिव्यू करने के पैसे नहीं मिलते। कोशा कपिला को मिलते हैं भैंस प्लानिंग करने के, तन्मय भट्ट को मिलते हैं बैठ के अपनी कुर्सी पे शो देखने के। हम ही है जो पब्लिक के लिए कर रहे हैं, तो तुम तो सालों इज्जत दे लो हमें। पब्लिक अपनी पब्लिक तो इज्जत करती है, मतलब ये तो नहीं यार, पिछली बार मुझे बोल दिया कि दाढ़ी काट साले सुग्रीव जैसा लग रहा है। तो भाई लाइक आवर शो और ऑडियंस आर आल्सो ऑनेस्ट। तो शो का मोटा माटी प्लॉट ये है कि एक आदमी है प्रोफेसर, जो कि यहाँ पे है चक दे इंडिया के शाहरुख खान। वो एक टीम बना के हॉकी का वर्ल्ड कप नहीं जीत रहा है, उन्हें स्पेन के सबसे बड़े बैंक के अंदर चोरी करनी है। तो वो पूरी टीम जुटाते हैं, सबको शहरों का नाम देते हैं और कुछ बेसिक से रूल बता देते हैं कि कोई प्यार मोहब्बत में नहीं पड़ेगा। लेकिन इस शो के सारे चैप करने वाले अपने रियो और टोक्यो सबसे पहले तो प्यार में पड़ते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम के अंदर है ना मार्कस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ। नहीं नहीं सही कह रहे थे, स्टोइनिस और वो है प्यार में जैम्पा। स्टोइनिस और जैम्पा अलग है, ये लाबुशेन और वो अलग है। स्टीव स्मिथ कहता है जो कहता है वो लाबुशेन करता है, जैसे कि हमारा मीडिया और मोदी जी। जैसे कि हमारी बॉस और आप। हाँ, जैसे कि यूथ कांग्रेस और सोनिया मैडम। जैसे कि वो दो बाइक पर लड़के और ये अपनी अय्याशी करते हुए पकड़े जाते हैं और रियो हो जाता है अरेस्ट। तो भैया टीम वापस से जुटती है रियो को लाने के लिए, और प्रोफेसर एक और प्लान बनाते हैं कि इस बार हम नोट नहीं चुराएंगे, इस बार जाएंगे रॉयल बैंक ऑफ स्पेन में और वहां से हम सारा का सारा सोना चुरा के ले आएंगे। सीजन फोर बेसिकली वहां पर शुरू होता है जहां पर ये लोग बैंक के अंदर है और इनको बैंक से बाहर आना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि प्रोफेसर की बीवी जो होती है लिस्बन, वो ऑलरेडी पकड़ी जा चुकी होती है, और प्रोफेसर को लग रहा होता है कि उनको मार देगा एक गोली। रकेल मरियो है जो कि पहले पुलिस में ही थी, और वो ऐसे पार्टी बदल लेती है अगेन, जैसे कि इंडिया में पॉलिटिशियंस बदल लेते हैं। लड़ो कहीं से और बैठो कहीं से। वह कहते हो मध्य प्रदेश वालों को देखो, सबसे मस्त लॉकडाउन चल रहा होगा उनका। वो कह रहे कि 30% हमने सैलरी काट दी, कह रहा ले जाओ साले। मेरा जीवन में यही सपना है कि मैं इलेक्शन लड़ू और बिना बीजेपी के जीत जाऊं, और बाद में बीजेपी मुझे खरीद ले। जो इनके ऑपोजिट साइड है, जो स्पेन की पुलिस है, जो आर्मी है, उसको लीड कर रही है अलिसिया सेरेरा, जो कि प्रेग्नेंट है, बहुत ही श्रूट किस्म की औरत है, जो कि जानी जाती है अपने के लिए। वो लोगों को इस कदर टॉर्चर करती हैं और कर चुकी होती हैं, जिससे कि शी इज पॉपुलर इन फेमस इन ऑल ऑफ स्पेन फॉर हर टॉर्चर। और किस तरह से प्रोफेसर अपने सारी चीजों को कनेक्ट करके लिस्बन को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, और इवेंचुअली उसके साथ साथ क्या क्या कोलैटरल डैमेज हो रहा है बैंक के अंदर। और अभी भी शो खत्म नहीं हुआ है, एक बार फिर उन्होंने समय समाप्ति की सिर्फ घोषणा की है, अभी कहानी आगे बढ़ेगी। तो गाइस हियर आर द थ्री थिंग्स आई लाइक्ड अबाउट द शो। One, the plot is actually fantastic. बहुत ही crazy plot बनाते हैं मनी हाइस वाले हर सीजन में. And the second thing that we really like about the show is the other performances. Insane performance.
एक कैरेक्टर को आप फ्लॉ नहीं उठा सकते कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। और कमेंट्स में थोड़ी इंटरेक्शन बढ़ाते हैं गाइस, आप बताएं आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है। मेरी फेवरेट कैरेक्टर तो नैरोबी और वो हेलसिंग की। मेरा फेवरेट यार ऑनेस्टली नैरोबियन प्रोफेसर। एंड द थर्ड थिंग वी लाइक अबाउट द शो इज द वे इट इज शॉट, द बैकग्राउंड म्यूजिक और जो राइटिंग के अंदर एक वो चीज है कि कॉन्स्टेंटली एक थ्रिल का फैक्टर रहता है कि कब क्या हो जाए नेक्स्ट, आप उतना भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। एंड हियर आर द थ्री थिंग्स वी डिसलाइक अबाउट द शो। एक, मुझे लग रहा है अब थोड़ा सा ड्रैग हो रहा है, कर दो यार अब खत्म। एक्जेक्टली। एंड द सेकंड थिंग दैट आई डिड नॉट लाइक अबाउट दिस सीजन पर्टिकुलरली वाज द फ्लैशबैक सीक्वेंसेस, उनकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी, दे मेक द शो स्लोअर। एंड द थर्ड थिंग वी डिड नॉट लाइक अबाउट द शो इज दैट कि जहां का ये शो है स्पेन का, कोरोना वायरस के चक्कर में उस देश की भी मां बहन हो गई। सो you the chamgadar, you the guys who did it. Anyway guys, so our rating for this and for this season is a full enjoy. It falls slightly short of a paid review, lekin paid review it would have been paid review when Netflix would have actually paid us, which they are doing to Tanmay and Kusha but not us. And I'm very angry about it. I'm very angry. Hello, hello, kon kya ji? देख भाई, उधार उधार मांगने वाला पैसे वाला है तो मैं बता दूं, बबली चला के घर छोड़ के अपनी रहता इधर। भाई भाई वो नहीं, मेरे को आपको इंटरव्यू करने के लिए भेजा है। भाई आदमी जो फेमस है तो ये दिक्कत हो जाती है, बताओ इसको इंटरव्यू दो, इसको इंटरव्यू। भाई देख मैं ऐसा है, वो ऑनेस्टी वाले बड़वे नहीं है, उनको इंटरव्यू देता हूँ तो मैं एक जगह भी देता हूँ, मैं अभी जगह जगह लंच। एक्सक्लूसिविटी वाली बात होती है ना, तो सेम अभी नहीं दे सकता, सॉरी। भाई मेरे को उन्होंने भेजा है, मेरे को शुभम शुभम लेता होगा पहले आपका इंटरव्यू, आज से मैं लूंगा। उसको हो गया क्या? वो यार उसको बोलता था मैं घर बैठ जा, वो मानता नहीं था। कैसा है, ठीक है तबीयत उसके? ठीक है, वो ठीक है, सुखी है, खुश है, अपना ऑनेस्ट रिव्यू वगैरह बना रहा है। असल में हुआ क्या ना, आप फेमस हो रहे हो, आप इतनी इंपॉर्टेंट व्यक्ति बन चुके हो हमारे चैनल पे, तो हम आपके स्पेशली आपके लिए ना मेरे को हायर करा है ताकि मैं अब आपका इंटरव्यू लूं, मतलब स्पेशली मेरे लिए, आपके लिए सर। यार बात है, मेरे को बहुत अच्छा लगा, तुम मेरे को बहुत अच्छा लगा। चल पूछते हो क्या पूछना भाई? तो ऐसा है कि आज ना शुभम और जैन ने एक शो रिव्यू करा है मनी हाइस्ट, तो अब आपके रिव्यू के बिना फिर ऐसे बात नहीं बनती, तो आप अपना भी एक बार रिव्यू दे दो मनी हाइस्ट का। देखो ये ऐसा है, ये जो क्रेडिट देते नहीं ना, ये जो लोग होते हैं, मैं इनको ना फॉलो करता ना इनके शो देखता, ये चोर होते हैं बस, मैं इनका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ। इन्होंने हमें क्रेडिट नहीं दिया, हम इनको शो भी नहीं देखेंगे। नहीं तो मतलब क्या, मतलब कि क्या प्लेजरिज्म का केस है, किसको क्रेडिट नहीं दिया? हमको क्रेडिट नहीं दिया, हमारे ऊपर ही तो शो बना है पूरा मनी हाइस्ट। ये प्रोफेसर कौन है, किससे चुराया कैरेक्टर पूरा? ये अपने बबली से? मैं बबली ऐसी डकैतियां करके छोड़ चुका है, इतना दिमाग है बबली में। बबली कौन? बड़े रेडी है मेरे बबली जी। कौन? सॉरी सॉरी, पैरी पहना भाई, पैरी पहना। इससे अच्छा अपने बादशाह भाई है, 5 लाख तो दे देते बाद में। चलो गए आज के लिए, इतना ही बहुत है यार, मैं थोड़ी देर सेंटी आऊंगा यार। जा चलो भाई, बताता हूँ दिल पे नहीं लेना, फिर अगली बार मिलते हैं। अभी तो बहुत किस्से हैं यार, तेरे को पता नहीं हमारे बारे में, बताऊंगा धीरे धीरे। अच्छा अगली बार बताना, मैं बड़े अगर आप लोग के दिमाग में कोई पुरानी फिल्म है जो हमें रिव्यू करनी चाहिए, टू राइटर्स इन द कमेंट बॉक्स, send us a DM. Exactly. Till then, thanks for watching. Like, share and subscribe. Or just follow us on Instagram. See you guys next week or maybe midweek. Yes. Stay home, stay safe and take very good care of yourselves. Bye-bye.